सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्यों डरती है? आखिर वो कौन सा हथियार है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंगूठे के नीचे रखता है? वो है संविधान का आर्टिकल 324 और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरे शब्दों में बोलूं तो आर्टिकल 324 को ही इम्प्लीमेंट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। सरकार जो की पावर में है, दुनिया भर की स्कीम अलग अलग तरीके के शानदार दंडभेद लगाकर वोट बटोरने के पीछे बगर पड़े तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाकर उसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराया जा सकता है ताकि सबके सब मिलकर एक इक्वल रेस दौड़े और जो जीतेगा फिर वही कहलाएगा देश का सिकंदर यानी कि प्राइम मिनिस्टर। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना तो हमारे संविधान में है और ना ही इससे रिलेटेड कोई कानून है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको उल्लंघन करने वालों को उनकी पॉलिटिकल पार्टी तक रद्द कर सकता है, ये पावर रखता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे देश में किस राज्य में लगाया गया था? मॉर्निंग में मिलता है, 7 बजे तैयार रहना।